नमस्कार एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बैक फ्रॉम द जॉज ऑफ डेंजर। आज एक ये देख रहे हैं ये मोमेंटो मेरे एक वेलविशर ने मेरे को दिया था और बड़ा अच्छा कंसेप्ट लगा। ये एक्चुअली है फोटो फ्रेम, इसमें फिर इसने ये बना के मेरे को दिया था कि सर ऐसे ही आप अपने वाइल्ड लाइफ की जो मोमेंटोज हुआ बनवाइए। मेरे को ये कंसेप्ट बहुत पसंद आया। एक शॉपकीपर है जिसके यहाँ से हम कुछ सामान लेते थे, तो ये बड़ा सुंदर लगा। एक तरफ टाइगर है, एक तरफ लेपर्ड है, बीच में मेरी तस्वीर है, मेरा नाम भी लिखा है, बैक फ्रॉम द जॉज ऑफ डेंजर भी लिखा है और फॉर्मर यूपी स्टेट क्रिकेटर भी लिखा है ना। ये मेरे को प्रेजेंट किया था। एनीवे मैं इसको आज सामने ही रखता हूँ और अपनी स्टोरी को चालू करता हूँ। आज हमारे फादर के टाइम की एक स्टोरी आपको बड़ी छोटी बता रहा हूँ कि लेपर्ड की इंटेलिजेंस क्या होती है। कहते हैं कि लेपर्ड बहुत चालाक होता है। एमपी में ही कहीं कैंप लगा हुआ था, मेरे ख्याल सरगुजा डिस्ट्रिक्ट में किसी चीज़ की ड्रिलिंग हो रही थी, तो वहाँ पर मेरे फादर का कैंप था। वो टाइम पर हम लोग शहर पर पढ़ रहे थे, मेरी बुआ तब लखनऊ में रहती थी तो मेरे को भेज दिया गया था यहाँ पढ़ाई करने के लिए। यहाँ का एक बड़ा फेमस स्कूल है लोरेटो कॉन्वेंट, जो कि है गर्ल्स का प्राइमरीली, और जब मैं छोटा था तो उसमें फिफ्थ तक के बॉयज़ भी अलाउड थे। मेरा एडमिशन वहीं था, मैं यहाँ पढ़ने आता था, बुआ के पास रहता था। साइकिल रिक्शा जो चलते थे वो हमारे पास आते थे और स्कूल ले जाते थे और फिर ले आते। एनीवे तो आज हम लेपर्ड की इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं। कैंप के बगल में ही एक छोटा सा गांव था जिसमें आप मान के चलिए कि 10-15 मकान थे, तो उसमें जो उनका प्रधान था उसी का मकान केवल एक पक्का था, खिड़की दरवाजे बने हुए थे, बाकी तो सब झोपड़ी के थे, झोपड़ी वाले जो होते हैं मिट्टी वाले झोपड़ी है उसमें लोग रहते थे। तो उसकी गाय बंधी हुई रहती थी बाहर में, तो अक्सर चक्कर लगाते थे लेपर्ड। गाय कितने कैब कितनी दूर होगा गांव से, मुश्किल मान के चलिए आधा किलोमीटर भी नहीं। तो उसकी एक बैल को मार के लेपर्ड ले गया, और बैल को मारना यानी गांव वालों के लिए बहुत बड़ा नुकसान होता है। जुताई उताई जो खेत की होती है उसमें बैल काम आते थे, 3-4 के बैल थे उसके पास, उसके लड़के थे बड़े जो उन बैलों द्वारा अपने खेत में जो है हार्वेस्टिंग के टाइम भी जाते थे, उसकी जुताई करते थे। तो उसने आके फादर को बताया, फरोश वालों को खबर करी कि साहब जिसने मेरे दो जो बैल है पिछले 10 दिन में मार दिए। तो जो दूसरा वाला बैल इसने मारा था वो इसको खींच के नहीं ले गया था और तब तक हल्ला हो गया तो वो छोड़ के भाग गया। लेपर्ड बहुत कनिंग होता, जहाँ खतरा महसूस करेगा तुरंत निकल जाएगा, तुरंत छोड़ के निकल जाएगा। तो फादर को उसने रिक्वेस्ट करी, फॉरेस्टर ने बोला कि सर आप तो यूज़ करते हैं गन, आप इसके घर के अंदर से खिड़की से ही व्यू दिख रहा है, इसको हम लोग इसको बेट के रूप में इसी बैल को रख देते हैं, तो लेट अस सी कि क्या होता है। एक दिन फादर शाम को बैठे, दो दिन बैठे, वो लेपर्ड नहीं आया। और इतना इंटेलिजेंट था कि उसके बाद वो उस एरिया में दिखा ही नहीं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि उस लेपर्ड ने इन लोगों को देख लिया होगा उस मरे हुए बैल के पास कहीं दूर से, और वो समझ गया कि यहाँ कोई प्लानिंग चल रही है मेरे को ख़त्म करने की, यहाँ से भगाने की, जो भी सोचता होगा, और वो फिर आया ही नहीं उस एरिया में। फादर दो दिन बैठे हो फिर अपना आ गए, तो दो तीन तीन घंटा बैठते थे, कभी कभी तो रात काफ़ी रात बैठते थे, फिर वो आ जाते थे स्टाफ के साथ अपने एक साथ अपने घर में, क्योंकि अगल बगल गांव था, वॉक करके ही आ जाते थे क्योंकि कहीं बीच में दिख जाए तो उसको मार दें, बट वो नहीं आया। 3-4 दिन के बाद तब फिर फादर ने बोला कि तुम यार एक बाड़ा आड़ा लगाओ लकड़ी का अच्छे से और उसमें रखो, ऐसे निहाले कि लेपर्ड के लिए बाड़ा अगर 8 फीट का भी है ना, बट वो बैल लेके नहीं कूद सकता इतना ऊँचा, कुत्ता और बकरी जैसी चीज़ तो लेके कूद जाएगा, बट अगर वो 70-80 किलो का हिरण मार के पेड़ के ऊपर चढ़ सकता है तो
पॉसिबिलिटी थी कि भाई बैल को, बैल बहुत वेट होता है, ऑलमोस्ट 100 किलो से ऊपर, तो उतना लेपर्ड नहीं ले जा सकता था। तो फिर ये बाड़ा आड़ा बनाने की बात करी, तो उसने बोला हाँ साहब हम बना देंगे। ये बात होते होते उसने बना लकड़ी पकड़ी ला के सब इकट्ठा करी थी वोटी वाली, ताकि पूरा बाड़ा बना देंगे, उसके बीच में वो उन जानवरों को बांधा करेगा। इसी बीच ये उनकी जो गाय थी, उस गाय के एक बछड़े को यह आया, करीब 7-8 दिन की बात है मैं बोल रहा हूँ, वो खींच के ले गया, खींच के ले गया, उसको तोड़ा के ले गया होगा अंदर, फिर वहाँ खाया होगा। फिर ये लोग को पता लगा तो अंदर गए जंगल में, देखा कुछ नहीं, उसका तो ऑलमोस्ट खाली हड्डियाँ रह गई थी, जो भी चीज वो नहीं खाना चाहता था, बाकी तो उसने सब खा लिया था। एंड उसके बाद वो लेपर्ड कभी दिखा नहीं उसे, कि वो भाग गया था, लकड़ी अकड़ी भी देख ली होगी। आई थिंक फादर तो यही कह रहे थे कि वो जो है जंगल में कहीं बैठे हुए, कि पीछे से जंगल रहता था अक्सर, तो वो जरूर देखता होगा कि यहाँ पर कार्यक्रम चल रहा है, हाथ में कुछ लोग बंदूक लिए हुए, दे आर वेरी इंटेलिजेंट, भाग जाते हैं। मैं लखपत सिंह जी की एक स्टोरी देख रहा था, जो जिन्होंने गजब के मैनेटर्स मारे हैं हाल के टाइम पे, आफ्टर जिम कॉर्बेट अगर वो है तो, बहुत लेपर्ड्स मारे हैं, बड़े डिफिकल्ट कंडीशन में मारे हैं वो। एक बार मतलब उन्होंने ये स्टोरी में जिक्र किया है कि वो मौत के कितने नज़दीक आ गए थे, सामने टारगेट किया था जहाँ पर उसने कुछ मार के रखा था कि इसको हम मारेंगे, और नीचे ही ज़मीन पे एक सेफ एरिया पे एक बड़ा सा रॉक था, उसको तो पेड़ों से ढक दिया, तो उसी के बीच में बैठे थे कि यहाँ से उसका क्लियर व्यू मिल जाएगा। अब वो लेपर्ड इनके ही पीछे से आ गया, इनका जो साथी था अगर वो ना देखता तो ना बताता कि साहब ये करीब 30-40 फीट दूर खड़ा हुआ, इधर ही घूर रहा, दैट मीन्स सस्पिशियस नहीं था वो, श्योर था। और वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था इन लोग की तरफ, तो ये मार भी नहीं सकते थे कि मुड़े और मारे उसने, में तो फिर भाग लेता। और उसने कई किलिंग की थी, कई बच्चों को, इंसानों के ऊपर अटैक किया था, एक दो को मार डाला था, खा लिया था। तो उन्होंने पीछे से ही गन रखी और रिस्क लिया, और कैसे पकड़ा था उन्होंने बताया, और फिर उसको ट्रिगर तापा और उसको लग गई और वो गिर गया। तो दे आर सो कनिंग, कहने का तात्पर्य यही है कि आप उसके शिकार के लिए मचान बना के बैठे हो पत्थर के ऊपर, कि हम यहाँ से उसको देखेंगे, क्योंकि अपना किल पे तो जरूर आएगा शाम तक, और वो उसने देख लिया आपको कहीं से यहाँ आप बैठते हुए, और वो आया पीछे से आपके ताक में, कि मौका मिलेगा तो आपके ऊपर भी अटैक कर देंगे। दे बिकम सो डेयरिंग लेपर्ड्स, व्हेन दे बिकम मैन ईटर बहुत डेयरिंग हो जाते हैं, बहुत। ये जो जानवर है ना, ये बहुत खतरनाक है जो आप देख रहे हो, बहुत ताकत भी है, सुंदर भी है, और दिमाग बहुत ज्यादा है। टाइगर से कंपैरिजन में उसका दिमाग कहीं ज्यादा है। जब अंग्रेजों का काल था यहाँ पर हमारे ऊपर इंडिपेंडेंस के पहले, तो कई ऐसे आर्मी के ऑफिसर्स आए थे इंडिया में जो बेसिकली एक्सप्लोरर्स थे। तो सर्वे ऑफ इंडिया ने उस समय जब मैपिंग हो रही थी तो इन अंग्रेजों को बुलाया हुआ था। तो ये बेसिकली छोटे मोटे शिकार के चक्कर में है कि हिरन, यह आपका रैबिट मिल जाएगा या हिरन मिल जाएगा, उसका मांस के लिए मारते थे, सोच के आए थे। और यहाँ आके इन लोगों को दिमाग खराब हो गया जब ये सर्वे के लिए जंगलों में जाते थे और ये वाइल्ड एनिमल्स को, टाइगर्स को, लेपर्ड्स को, एलिफेंट्स को देखते थे। तो क्या गजब के कुछ लोग थे, कोई स्पेशलाइज करता था एलिफेंट को मारने में, कोई स्पेशलाइज करता था लेपर्ड को मारने में। बहुत बड़ी सूची है, मैं बार बार नहीं बोल सकता हूँ, ऐसे ही नहीं 80,000 टाइगर्स ख़त्म हो गए थे 50 साल में, 1875 से 1925 के बीच में। तो बेसिकली इनकी जो प्रवृत्ति थी, ये एक्सप्लोरर्स थे, जंगलों के अंदर जाना, एक्सप्लोर करना, उन्हीं को ड्यूटी पे, सब आर्मी के थे, इन्हीं को ड्यूटी पे लगा दिया। तो एक कर्नल जे नाइटिंगेल थे, उन्होंने ना 300 टाइगर मार दिया हैदराबाद रीजन में, साउथ में। अपने टाइम पे सर्वे के लिए जाते थे, जहाँ मिलता था ठोकते थे और सबकी चमड़ियाँ बचा लेते थे, अपना चमड़ी टैन करवा लेते थे, इंग्लैंड भेजने के लिए तैयारी।
शिपमेंट के शिपमेंट जाते थे उसमें इनका भी चला जाता था। और एक और थे जॉन माइकल करके, वो हाथी मारने में माहिर थे। तो हमारे इंडिपेंडेंस के पहले जब जंगल राजे महाराजों नवाबों के अंडर में था, बहुत नुकसान हुआ, तो हाथी भी मारते थे। अब आपको मैं कर्नल नाइटिंगेल की एक किस्सा आपको और सुनाऊंगा, आपका दिल दहल जाएगा कि क्रूरल्टी की इंतहा क्या हो सकती है। आप बंदूक से मार रहे हैं, राइफल से मार रहे हैं, वो तो समझ में आ रहा है, हाथी के ऊपर बैठ के मार रहे हैं, मचान के ऊपर मार रहे हैं, नुकसान पे नुकसान कर रहे हैं। ना जाने साउथ इंडिया में इन्होंने कितने टाइगर और कितने लेपर्ड मारे, क्योंकि इनको खून में ये आ गया था कि चलो सर्वे के लिए जा रहे हैं, वी मस्ट लुक आउट फॉर लेपर्ड, वी मस्ट लुक आउट फॉर टाइगर्स एंड शूट देम। जितने ज्यादा हमें वापस जाने के पहले जितने ज्यादा खाल मिल जाए उतना अच्छा है। तो इनका पूरा पूरा एक कैंप जाता था, वहीं जंगल में लगता था, क्योंकि सर्वे भी करना होता था। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इनको जो है सर्वे ऑफ इंडिया के लिए भेज दिया था कि सर्वे करिए, नक्शा बनाइए। अब जिनकी मैं बात बता रहा हूँ, उनका नाम वही कर्नल नाइटिंगेल है, जिन्होंने एक टाइम पे अंग्रेज अफसर जो थे उन्होंने 300 टाइगर उस एरिया में मारे थे। बट जो बात अब मैं बताने जा रहा हूँ वो दिल दहलाने वाली है। टेंट पैकिंग आपने देखी होगी, टेंट पैकिंग होती क्या है कि घोड़े के ऊपर आप बैठते, तो ये अक्सर घोड़े पे ही चलते थे और इनके साथ जो भी जमात जाती थी वो भी घोड़ों पे रहते थे, बिल्कुल बिल्कुल तंदुरुस्त बड़े घोड़े। इन्होंने ये प्लान किया कि अब हम लेपर्ड बंदूक से नहीं मारेंगे, इस बेचारे प्राणी की शिकार टेंट पैकिंग होती है गेम कि आप दौड़ के आते हैं, घोड़े के ऊपर जो सवार होता है वो एक बड़ा सा भाला लेके आता है और फिर भाले से आके टारगेट को पिक करके फिर आगे चले जाता है। मैंने कई प्रोग्राम ऐसे देखे जो आर्मी में होते हुए पुलिस में उनको ट्रेनिंग होती है, टेंट पैकिंग बड़ी स्पेशलाइज चीज होती है, प्रिसिशन से आपको टारगेट पे भाला मारना है। और दो दो तीन तीन लोग एक लेपर्ड को घेर लेते थे और फिर ये कर्नल साहब पीछे से आते थे घोड़ा दौड़ाते हुए, वो डिस्टर्ब होता था कि इधर बाएं देखे कि दाएं देखे कि आगे की तरफ भागे, चारों तरफ से तो आप घोड़ों से घिरे हुए, और फिर ये भाले से आके उसको भोंकते थे, फिर तब तक दूसरा आता था उसको भोंकता था, तीसरा हॉर्स राइडर आता था वो भोंकता था, और कुछ ही देर में उसकी बड़ी दर्दनाक मौत हो जाती थी उस लेपर्ड की। तो इन्होंने केवल शिकार ही नहीं किया बट दर्दनाक तरीके से लेपर्ड्स को मारा है। यानी एक जानवर बेचारा जिसकी जुबान नहीं है, बच नहीं सकता, वो अपने एरिया में रह रहा है, आप सर्वे करने जा रहे हो और आपको एक अच्छी चीज मिल गई वहां पर, शिकार, बड़ा जानवर, बिग कैट, टाइगर, लेपर्ड। एक दो बार कुछ लेपर्ड्स का हमने सुना भी है कि वो ठीक से स्पेयर हुए नहीं थे तो उसको उन्होंने अटैक भी किया था। और क्या अटैक हो गया अगर चार चार आदमी भाले के साथ है और फिर सिक्योरिटी भी है साथ में, ये भाई भाला काम नहीं कर रहा तो गोली मार दो, आप जाएंगे कहाँ। और एक किस्सा तो बता रहा हूं कि इस कर्नल ने हद कर दी थी कि जब ये टेंट पैकिंग उसको बोलते हैं तो ये जब तो उस समय ये टेंट पैकिंग नहीं कर रहे थे, ये लेपर्ड पैकिंग कर रहे थे। कि कुछ लेपर्ड तो उन्होंने स्पीयर से मारे हैं, दौड़ा दौड़ा घेरते थे घोड़ों से और फिर ये आते थे पीछे से, स्पोर्ट हो गया था इनकी थी, फिर लेपर्ड पे पीछे से भोंकते थे, वो घुर्राता होगा चिल्लाता होगा तब तक आगे कुछ बगल वाला आ जाता होगा, उसने गर्दन पे भोंक दिया, तब से इधर वाला आ गया इस तरफ कहीं यहाँ भोंक दिया, वो बड़ा जानवर तड़प तड़प के मरता था। एक केस में तो एक भाला घुसा, घोड़ा सवार जो घुड़सवार थे वो आए लेपर्ड के पास और उन्होंने सर पे भाला मारा और उसका जो कहते हैं ना ब्लड वेसल, ब्रेन, दिमाग, वो बस्ट कर गया और वो वहीं मर गया एक ही ब्लो में, एक ही स्पेयर में। वो लेपर्ड जैसा जानवर जो ताकतवर होता है वहीं मर गया क्योंकि उसका ब्रेन बस्ट कर गया उस स्पेयर से। क्योंकि एक तो स्पेयर, फिर आप घोड़े के ऊपर बैठे हुए हैं, फोर्स से आ रहे हैं और उस फोर्स के साथ आप मार रहे हैं, तो ये समझिए कि
इन्होंने एक इंडिया क्रॉस कर दी थी हिंदुस्तान में आके, ये पगला गए थे इतने जानवर थे, होप भी नहीं करते थे कि हम जब जाएंगे सर्वे करने के लिए इतने जानवर मिलेंगे। ऐसे बहुत हैं नाम में बार बार, क्योंकि इसके पहले मैं सब देख चुका हूँ, बट ये थोड़ी सी रेयर चीज़ थी कि भाले से भी आप शिकार कर रहे हैं। ये क्रूरिटी की एक हद थी। आप किस तरह के इंसान थे कि आप इन्हें उसको दर्द भी दे रहे हो, गोली से तो समझ में आती, लगता है उसको ज़्यादा दर्द महसूस नहीं होता, वो मर जाता, बट इस केस में आप भालों से उसको जो है टॉर्चर कर रहे हो बुरी तरह, और फिर वो तड़प तड़प के मर रहा है। तो हिंदुस्तान ने ये सब भी झेला है अंग्रेजों के साथ। तो मेरे तो कुछ फ्रेंड्स मेरे को फोन करते थे कि मैं आपका वीडियो देख रहा हूँ यार, आपने बहुत सी चीज़ों का खुलासा किया, बहुत ज़बरदस्त, एंड दे हैव सीन इट ऑन रिकॉर्ड, ये बिल्कुल सही किया। और बहुत से लोगों को, राजे रजवाड़ों को बहुत गुस्सा आ रहा होगा आपके ऊपर। अभी तो खैर बहुत से कम व्यूअर्स हैं मेरे, बट आई एम लीस्ट अबाउट दैट। देखिए ऐसा है कि मैं YouTube में इसलिए नहीं आया कि कौन बुरा मान रहा है क्यों नहीं। किसी ने मेरे को, एक सब्सक्राइबर ने बोला था अभी, आपके पास कौन सी गन है, तो 0.80 रॉस थी मेरे पास, वो कैनेडियन राइफल थी, फादर के पास थी, फिर वो आ गई थी, बट आई डोंट हैव एनी वेपन राइट नाउ बिकॉज आई डोंट, अब तो मैं हंटिंग करूँगा नहीं कभी। और डबल बैरल थी, वो इंग्लैंड की थी, वो मेरे ग्रैंडफादर ने फादर को दी थी, और मेरे नाना जी ने ये राइफल बाबा को दी थी कि आप जंगल में रहते हो आप रखिए, नहीं तो मेरे फादर पहले प्लान कर रहे थे। और जब भी फादर जंगल में जाते थे, जैसे उनका अगर लखनऊ भी बीच में आया, फिर लखनऊ से ट्रांसफ़र होके नागपुर चले गए थे 3-4 साल के लिए, तो ये सब कैरी करते थे अपने साथ, क्योंकि उनको जाना पड़ता था जंगलों में, और कई दिन वहाँ पर इंस्पेक्शन पर रहते थे कि क्या काम हो रहा देखने के लिए, तो उनको ऐसी भी स्टोरीज बहुत पता लगी है, और अपनी भी इतनी स्टोरीज हैं उनकी। जिस शख्स ने 40-45 साल जंगल में काटे, तो सोचिए, अब लेपर्ड की एक छोटी सी कहानी और फादर की बता रहा हूँ। जब ये ग्रेजुएट हुए, ये वॉज अ साइंस ग्रेजुएट, और इनकी पहली जो जॉब हुई थी दैट वॉज इन टाटा, तो उस समय तो बिहार में आता था, तो ये टाटा में ही इनको जो है ड्रिलिंग के लिए पोस्टिंग दी गई एज असिस्टेंट ड्रिलिंग इंजीनियर, और टेंट में सब लोग रहते थे कैंप में, तो जिस टेंट में इनको अलॉट किया था वो टेंट सब तैयार करके रख दिया गया था। एक कैंप कॉट होती है, कैंप कॉट सोने के लिए होती थी, और वो टेंट में जिस दिन ये गए वहाँ से, तो ये पहुँचे शाम के टाइम पे और रिपोर्ट किया, जो भी कंसर्न ऑफिसर थे उनसे बोला कि सर मैं थक गया हूँ थोड़ा सा रेस्ट कर लूँ, फिर जब डिनर टाइम होगा, चाय पी लिया था वहीं, कि जब डिनर टाइम आएगा तो आप हमें उठवा लीजिएगा हम आ जाएंगे। तो एक अर्दली इनका सामान वामान पहले ही रख दिया था, फिर इनको ले गया उसी टेंट में, सब रह गया, उन्होंने देखा, और एक लाठी रखी हुई थी बड़ी सी, तो चले ये काय के लिए है कि सब ये जंगल है और लेपर्ड्स आप जानते हो, मैंने बोला ना कि दुनिया के कोई, हिंदुस्तान का तो कोई जंगल नहीं जहाँ आपको लेपर्ड नहीं मिलेंगे, वहाँ आते भी थे कैंप में, तो उसने सब बता भी दिया था, बट वो ज़्यादा फादर ने, क्योंकि इट वॉज हिज फर्स्ट पोस्टिंग, देखिए पहला दिन, तो उन्होंने ज़्यादा परवाह भी नहीं की, और वो जैसे ही कैंप कॉट में सोए उनको नींद आ गई, बट वो लाठी जो थी उनके हाथ के रेंज में थी कि भाई अगर हम चाहें तो आई कैन रीच इट फॉर सेफ्टी, तो ये नींद आ गई। सडनली उनको लगा कि उनकी कैंप कॉट के नीचे, उनके पीछे, उनके पुट्ठों पे, हिप्स पे वो चीज़ नीचे से टच कर रही है, तो एक तो बहुत गहरी नींद में थे, फिर उठे, एंड रिमेंबर उसके पहले उनका एक्सीडेंट जो था नहीं हुआ था, दैट टाइम ही हैड बोथ द हैंड्स, तो ये उठे, बट और बाहर की तरफ हल्का हल्का अंधेरा हो गया था, गहरी नींद सो गए थे, तो इन्होंने क्या किया कि हिम्मत नहीं हो रही, उठे, पसीना होना लगे उनको कि यार ये क्या है नीचे से बार बार जो है मेरे हिप पे क्या लग रहा है, कोई जानवर आ गया है, जानवर आ गया तो किसी को बगैर लाठी उठाए, लाठी उठाने के लिए ही हैड टू गेट अप फ्रॉम द कॉट, कॉट से निकलना है फिर वो लाठी हाथ में लेना,
और जो इनको डबल बैरल दादाजी ने प्रेजेंट की थी वो लेके गए थे, बट वो बक्से के अंदर बंद थी वहीं जो आया था पैकिंग में। एक बड़ा सा केस था जिसमें वो रहती थी उनकी, वो उसमें ताला लगा हुआ था। तब तक सामान भी नहीं खोला था, थक गए थे तो आके सो गए थे। तो कह रहे कि हिम्मत तो करनी पड़ेगी। इन्होंने धीरे धीरे हिम्मत करके एक तरीके से झांकना चालू किया कि झांक के देखें क्या है, फिर करेंगे जो करना होगा। जैसे झांका, देखा कुत्ता, इतना गुस्सा आया कि मैं डर के मारे मेरे पसीने पसीने हो गए। और ये उठे, इन्होंने वो लाठी उठाई और कुत्ते को अब ज़्यादा मार भी नहीं सकते। वो समझ गए थे कि कुत्ता जो है किसी चीज़ को देख के डर के ही आया होगा, या ये उसकी रहने की आदत होगी, ये कैंप, ये जो हमारा टेंट है ये खाली पड़ा है। और उसका फ्लैप भी ठीक से लगा नहीं था, क्योंकि चौकीदार बोल के गया था यह फ्लैप लगा लीजिएगा, ये सो गए थे। यही गलती जो मैंने की थी कि मैं दरवाज़ा खोल के सो गया था, और लेपर्ड उसी एरिया से पास हुआ था, मैंने एक स्टोरी में बताया था। तो बिल्कुल वही चीज़ हुई थी कि उसके फ्लैप्स होते हैं, फिर उसको आप लॉक कर देते हैं तो ताकि कोई जानवर अंदर ना घुस पाए। वो करना भूल गए थे, वैसे लेटे होंगे, लेटे लेटे नींद आ गई। जब आदमी का शरीर थका रहता है ऐसे ही होता है। तो उन्होंने लाठी दो तीन मारी, बट वो इधर भागे, बाएं भागे, दाएं भागे, पीछे भागे, बट ही वॉज नॉट गोइंग आउट ऑफ द टेंट। वो टेंट के बाहर नहीं जाना चाह रहा था। तो फादर को डर लगा, वो समझ गया कि कुछ ना कुछ इसने देखा है। और बताया ना, कुत्तों की आवाज़ बंद हो जाती है। When they see a tiger or a leopard, भौंकेंगे क्या, वो उनके मुंह से आवाज नहीं निकलती, कितनी बार मैंने बोला। तो फिर उठे, इन्होंने कहा हिम्मत तो करनी पड़ेगी। तब तक उन्होंने वो खोला अपना, और उससे जो अपना डबल बैरल था वो निकाला, और धीरे धीरे डबल बैरल की जो नाल थी उससे जो है फ्लैप खोला। जैसे ही फ्लैप को कैसे खोला तो देखा कि ठीक टेंट के सामने करीब 30-35 फुट दूर एक लेपर्ड ऐसे करके बैठा हुआ है, फेस इनके टेंट की तरफ। तब उनको समझ में आया कि ये कुत्ता बाहर क्यों नहीं जा रहा था, क्योंकि वो लेपर्ड आया था इसके चक्कर में कुत्ते के। कुत्ता स्मेल करके किसी तरह देख लिया होगा इसने, ये कैंपर है, घूमते रहते हैं कुत्ते, कि ये खुला हुआ है, फट से घुस गया। एक आदमी भी है हमारी सुरक्षा के लिए, तो अब लेपर्ड अटैक नहीं करेगा। और लेपर्ड भी भाग गया था कि ये टेंट हमेशा बंद रहता था, तो आज ये थोड़ा तो खुला है और इसमें सफाई वफाई हो रखी थी, तो उतना भाग गया। तो मैंने बताया कि बहुत इंटेलिजेंट जानवर होता। तो जैसे ही फादर ने यूँ किया और बोला मार भी नहीं सकते, तब तक तो एक बार या बस बस उठा भाग गया। तो ये दिस वॉज द फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ इसका। सोचिए, जिस इंसान को पहले दिन पोस्टिंग में एक लेपर्ड को फेस करना पड़े आराम करते समय, तो क्या चीज़ हो सकती है। तो बड़ी इंटरेस्टिंग मेरी फादर की कई स्टोरीज हैं, मैंने पहले भी डाली है। और ये तो बिल्कुल ना, आप समझ लीजिए कि रोंगटे खड़े हो जाए किसी के, तो कमज़ोर आदमी हो तो बोलेंगे साहब ये नौकरी नहीं करनी, हम तो चले जा रहे हैं। वो है, फादर बताते थे कैंप में कि कई लोग बोलते थे कि नहीं साहब इतना रिस्क है तो हम नौकरी नहीं करेंगे। एनीवे, आज के लिए इतना ही, थोड़ा वीडियो बड़ा भी हो रहा है तो, बट ये बहुत इम्पोर्टेंट कुछ स्टोरीज थी। इसीलिए लेपर्ड की क्योंकि बात हुई थी कि उनको कितनी बेरहमी से मारा गया था, और मेरे फादर की दो स्टोरीज बताई कि कितना लेपर्ड कितना इंटेलिजेंट होता है, दो दो दिन तीन तीन दिन उसके इंतज़ार पे बैठे किल के ऊपर और वो नहीं आया। जब ये उठ गए फिर एक किल कर दी, फिर वो नहीं आया, देन इट डिसअपीयर्ड, उस एरिया से चला गया, अगल बगल के गांव में कहीं कर रहा होगा। उसको ये समझ में आ गया कि अब यहाँ भाड़ा भी लगने वाला है और मेरी तैयारी भी हो रही है, तो इससे पहले कि मैं यहाँ से मेरा काम तमाम हो जाए, वो ही मूव्ड आउट। उम्मीद करता हूँ कि ये स्टोरीज और इन्फॉर्मेशन जो आज दी है मैंने आपको पसंद आएगी, और ये मोमेंटो जो मेरा बना है, थैंकफुली मैं इसी तरह की मोमेंटो जो है अपने वाइल्ड लाइफ लवर्स को जो मैं प्रेजेंट करूँगा, तो ये मेरे मोमेंटो है जो मैं पसंद करूँगा, क्योंकि ये आइडिया मेरे को बहुत पसंद आया। अब इस बहुत लाइट है ये, आप इसको उठा के कहीं भी ड्राइंग रूम में सजा के रख सकते हैं। एंड इसमें चैनल का मेरा डिटेल दिया हुआ है, और नीचे उन्होंने मेंशन भी किया है फॉर्मर यूपी स्टेट क्रिकेटर, ये देखिए। ठीक है, तो अभी मैं इस वीडियो को यही एंड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि इसको पसंद करेंगे,
पसंद करते हैं तो इसको सब्सक्राइब कराइए और लाइक करिए, शेयर करिए लोगों के बीच में। और बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरीज आपको सुनाऊंगा। तब तक के लिए हेल्दी रहिए एंड तगड़े रहिए। थैंक यू।